फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरे गले का स्पीकर फट चुका है तो आवाज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ में आए तो। चिल्ला के ही नहीं बोल पा रही हूँ और अगर मैं तेज नहीं बोलूँगी तो आप तक का आवाज़ भी नहीं जा पाएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा सारा क्लीन हो चुका है और अभी बज रहा है शाम का, दिखाती हूँ आपको, 5:30। तो मेरा ब्लॉग है 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आज भी नहीं बनाती, मेरा है ना थोड़ा सा है ना गले में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, आवाज़ बहुत गंदी सी लग रही है। तो दीदी ने कहा कि है ना तूने कल भी वीडियो अपलोड नहीं करा और आज भी नहीं करेगी, तो अभी उनका कॉल आया, मैं सो ही रही थी तो बोले कि है ना मुझे आज भी ब्लॉग चाहिए। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप सब बने रहिए और चलते हैं अपन छत पे। तो ये देखिए आज छत का क्या हाल है, पूरे जगह कपड़े ही कपड़े हैं। और अभी 2 दिन से मौसम है ना खुल चुका है ना, तो इसलिए कपड़े हैं ना, मैंने तो है ना पूरी छत भर के कपड़े धो दिए हैं और आज नल आया था तो इसलिए फिर कपड़ों को भी है ना मतलब कुछ हाथ से धोए और कुछ मशीन में फटाफट से लगा दिए थे। और ये देखिए ये भी कितने हरे भरे हो गए हैं और गर्मियों में ये कितने सूख जाते हैं ना। तो यहाँ देखिए टंकी को भी मैंने खाली नहीं रहने दिया, यहाँ पर भी मैंने कपड़े भर दिए हैं, तो बस इनको अभी सूखने देती हूँ क्योंकि कुछ कुछ इसमें से है ना गीले भी हैं और कुछ सूख गए हैं। तो देखती थोड़ी देर से आती हूँ। अभी है ना क्या बोलते हैं बरसात है ना बंद नहीं हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि इस बार क्या पता बंद होएगी भी कि नहीं होएगी कि पूरा नवरात्रा ख़राब करेगी। तो अभी 2 दिन से तो बंद है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही रहा ना तो फिर घर के है ना जो मतलब बिस्तर है, जो कंबल है, वो सब भी है ना धुल जाएंगे। तो बस अभी यही चल रहा है कि देखिए कितने सारे कपड़े हैं, मेरे हाथ दुख गए पर ये कपड़े नहीं ख़त्म हुए। तो आज मैंने ना दाल बाटी बनाई थी, तो दाल बाटी तो आप लोगों को पता ही है कि दाल बाटी खाने के बाद इंसान कैसा हो जाता है, तो इतनी आलस आ रही है ना तो इसलिए मैंने बोला आज मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट दीदी के कारण करना पड़ेगा। आज सोनी है ना वो नीचे सो गई थी, तो अभी देखती हूँ मैं उसको कि किधर गई है, तो देखते हैं बच्चे किधर गए हैं। तो अभी तो दिख नहीं है। रियाश, सोनी कहाँ है? हाँ ले क्या? तो नीचे ही है रियाश और सोनी है ना दुकान पे गई हुई है। सोनी क्यों रो रही है? सोनी को प्रेम खाना है ना, प्रेम खाना है। अच्छा अपनी फ्रॉक दिखाओ, कैसी लग रही है आपकी फ्रॉक दिखाओ, आज सोनी ने तो फ्रॉक पहनी है। सोनी अच्छा फ्रॉक नीचे कर रहे हो, खड़े होके बताओ फ्रॉक कैसी लग रही है आपकी। अभी है ना सोनी है चुप हो गई है और मेरी क्यूटी है ना अब खेल रही है और इसे है ना प्रेम की बहुत ज़्यादा लत लग गई है, तो इसको है ना प्रेम चाहिए रहता है, तो इसलिए प्रेम के लिए रो देती है ना बेटा, प्रेम चाहिए रहता है क्यूटी। इसके साथ मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये मेरी बहुत क्यूट बेबी है ना बेबी तुम हो बेबी, मैं थोड़ी ना हूँ। तो मेरी बेबी है ना बहुत क्यूट है, चलो हाय करो और किसी भी कर दो, किसी कर दो। तो आज सोनी ने फ्रॉक पहनी है ना, सोनी आपने फ्रॉक पहनी है? नहीं। अरे पहनी है यार बेटू। राजू की जगह है ना वो वहाँ पर मैं बीच में रखती थी ना, तो उसको मैंने यहाँ पर कर दी है, अब वो फिक्स है ना वहीं रहता है और बच्चे कितना भी उसको हिला ले ढुला ले कुछ भी कर ले पर वो गिरता नहीं है, क्योंकि मैंने एक डंडा है ना डंडे में है ना उसको अटैच करके रख दिया है। तो बस राजू प्यार से वहाँ से मुझे देख रहा है और बैठा हुआ है। तो आज संडे का दिन है और हस्बैंड जी गए हैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ और हमें तो बिल्कुल नहीं ले जाते कहीं भी, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मुझे जाना होता है तो मैं मेरे मायके ही जाती हूँ, आपने देख ही रखा है, मायके से घर, घर से मायका, दीदी के घर, बस यहीं।
और है ना दो तीन महीने में घूमने जाते हैं और हमको बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं। क्या आपके भी हस्बैंड ऐसे करते हो? मेरे हस्बैंड जी तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, अपने दोस्तों के साथ मस्त घूमने फिरने गए हैं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत छोटा सा है और ये हमारी दीदी के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा तो मूड नहीं था, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा। और मंडे के दिन आएगा अच्छा सा व्लॉग, जिसमें क्लीनिंग भी रहेगी, रूटीन भी रहेगा, मतलब सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो आज का व्लॉग छोटा सा है और बस छोटा सा है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।